सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को थैंक्स यार इतने सारे कमेंट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी स्विट्जरलैंड पे, उस वीडियो पे इतने सारे लोगों ने कमेंट किए, हजारों लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए थैंक्स। मैं आपको बताऊँ, उस वीडियो में मैंने बेसिकली कई सारे जॉब्स बताए थे जो कि आप 10th और 12th के बाद स्विट्जरलैंड में कर सकते हो। तो लोगों ने कमेंट किए कि भाई आपने उस वीडियो में बेसिकली थोड़ा सा एज अ वेटर वर्क के बारे में बताया था कि आप किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में एज अ वेटर का काम कर सकते हो, तो आप इस पर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाओ, कितने तक सैलरी मिल जाती है एज अ वेटर के वर्क पे, क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई वर्क वीजा या फिर लॉन्ग स्टे डी वीजा ये सब नहीं मिलने वाला। आपको इसके लिए बेसिकली विजिट वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा पे भी काम कर सकते हो। स्टूडेंट वीजा पे बेसिकली आप अपने पढ़ाई के साथ साथ ही काम पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, फुल टाइम में भी कर सकते हो, विजिट वीजा पे भी काम कर सकते हो। बस इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको जरूरत पड़ेगी वेटर वर्क के लिए। उसके बाद मैं सैलरी बताऊंगा, ऑन एन एवरेज कितने तक सैलरी मिल जाती है। मैं आपको बताऊँ, जो मैंने 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई है वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद, उसमें और सारी जॉब्स आपको पता चलेंगी जो कि आप 10th और 12th के बाद स्विट्जरलैंड में कर सकते हो। ठीक है, तो पहले रिक्वायरमेंट सुनो, रिक्वायरमेंट एक साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, रिक्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मिनिमम 10th और 12th पास हो, फ्रेशर होने चाहिए, कोई एक्सपीरियंस इसके लिए जरूरत नहीं है। सेकंड, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट काफी अच्छा हो। थर्ड, आप इसके लिए स्टूडेंट वीजा या विजिट वीजा पे भी काम कर सकते हो। फोर्थ, आपका हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस, आपका बेसिकली पुलिस रिकॉर्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस रिकॉर्ड मतलब कोई भी केस क्राइम पुलिस के जैसा कुछ ना हो आपके ऊपर, आपका बेसिकली आइडेंटिटी में आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं फिर भी चलेगा, बट आपका बेसिकली फोटोग्राफ्स कलर्ड, आपके बेसिकली क्वालिफिकेशन कॉपीज, आपका बैकग्राउंड रिकॉर्ड सारे अच्छे होने चाहिए। आईडी कार्ड में आपको बेसिकली आधार कार्ड पैन कार्ड सारी चीज़ जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो, इसकी जो ऑन एन एवरेज सैलरी मिलती है स्विट्जरलैंड में वेटर वर्क पे, होटल्स में रेस्टोरेंट में डिपेंड करता है होटल्स के ऊपर, तो ऑन एन एवरेज जो मिलती है वो 25 CHF से लेकर के आपको 45 CHF तक मिल जाता है स्विस फ्रैंक। ठीक है, तो इतने तक आप अर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हैव अ नाइस डे, बेस्ट। आप लोग कोई भी डाउट हो कमेंट करो।